अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। जी मेरा नाम है बाबू सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है रिजवान सर का, अतीक मुख्तार अंसारी बीजेपी, और इस तरह का टॉपिक है। आइए मिलकर देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना तो मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक तो साथियों आज बात करेंगे जो नया शब्द बाजार में आया है। ये शब्द ना जनसंघ, ना भाजपा, ना राइट विंग के आया है, बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी लेके आई हैं, आप लोगों को पता है। और फिर बात करेंगे कर्नाटका का जो स्कैंडल चल रहा है, दोनों को जोड़ के आज छोटे से इस वीडियो में सोशियो रिलीजियस और पॉलिटिकल बात होगी। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो पहले चलते हैं ये नया शब्द जो बाजार में आया है। मैंने तो अभी तक हमेशा ये सुना था कि लव जिहाद हो गया, लैंड जिहाद हो गया, वगैरह वगैरह। हमेशा मुझसे लोग कहते थे कि साहब ये शब्द कहाँ से लेके, और मैं भी ये कहता था कि लीगल टर्म्स में लव जिहाद जैसा, लैंड जिहाद जैसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पर मुझे लोग कहते थे साहब ये नियत की बात है। मैं कहता था हाँ भाई बिल्कुल नियत की बात है, मैंने भी इस मुद्दे पर कई बार बात करी है। एक परसेप्शन बना हुआ है, वो परसेप्शन बनने में हमारी ही गलती है। आए दिन घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इन घटनाओं पर तो मुझे लगता है कि ये देखने का जो एक मुख्य कारण ये है कि साहब हम भाइयों में एक वॉयलेंट स्ट्रीक होती है, यानी हिंसात्मक प्रवृत्ति हमारे अंदर हमेशा से होती है, हमारे अंदर, आप समझ रहे हैं ना। तो जब भाई को रिजेक्शन मिलता है इस बात पर कि तुम आहा विशेष वर्ग के हो, इस मारे मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती, तो भाई कहता है कि आओ मैं तुम्हें बता देता हूं कि विशेष वर्ग की खुलूसियत खासियत क्या है, और वो है हमारी वॉयलेंट स्ट्रीक, हमारी हिंसात्मक प्रवृत्ति। तो इस चीज को, शब्द को तो यहां से जोड़ के चलते हैं। लैंड जिहाद की जहां तक बात आती है, बहुत से ऐसे केसेस देखने को मिले जहां पर लोगों ने एक अलाउ किया कि भैया यहां पर सामूहिक जुमे की नमाज अदा करी जाए, पर वहां पर धीरे धीरे एक अड्डा बना लिया और उस जगह को अपना बोलना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ वहां पर एक शक्ति प्रदर्शन सा होने लगा। तो इस तरीके से यहां से शब्द निकलने शुरू करे, जिसको मैं भी एतराज करता था कि कुछ भी कमी हो, पर ये शब्द कहां से आते हैं? ऐसे शब्द इजाद किए जाते हैं एक चीज को समझाने के लिए। अब साहब एक नया शब्द आ गया, वोट जिहाद। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघीय सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज को उनका हफ्ता पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। आज कितने लोग सीएनआरसी में जेलों में बंद हैं, और आपको बता दें मुझे खुशी हो रही है कि उन बच्चों के कितने केसेस सलमान खुर्शीद साहब फ्री में लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लड़ रहे हैं आपके लिए, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साथ नहीं दोगे तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ताकत आप हो। हाँ भाई, एक तो देखो जिहालत देखो किस लेवल तक है। ये पढ़ी लिखी महिला हैं, मारिया इनका नाम है, मारिया आलम, सलमान खुर्शीद साहब की ये भतीजी हैं। हमेशा देखिए आप लोगों से कहा है, अरे मौलाना करे तो करे, मौलाना करे तो करे। अरे भैया जिसको आप बोलते हो अब्दुल पंचर वाला, करे तो करे। अब आप ये बताओ क्या ये किसी मदरसे का प्रोडक्ट है? आप बताओ क्या ये किसी मदरसे का प्रोडक्ट है? हमेशा मैंने आप लोगों को एक बात बताई है, आप लोग मानने को तैयार नहीं होते।
ये पढ़े लिखे लोग आपके सामने बैठकर सेकुलर बनकर मौलाना को और पंचर अब्दुल वाले को गाली दे के निकल लेते हैं, और इनके उठने के बाद आप कहते हैं कि देखो ये होता है पढ़ा लिखा, ये होता है पढ़ा लिखा शख्स, कितनी अच्छी बात बोल के गया है। अरे उस अब्दुल पंचर वाले से और उस मदरसे के मौलाना से भी ज्यादा खतरनाक हैं ये लोग, ये पढ़े लिखे सेकुलर, और ये महिला किसी मदरसे में नहीं पढ़ी है। और क्या कह रही है, मंच से पहली बार एक कॉन्स्पिरेसी मंच से हुई होगी कि चुपके चुपके खामोशी से बिना बताए जाके वोट जिहाद कराना। अब ये शब्द तो मुसलमानों मानो ना कि यह तुम्हारी ही बहना ने इजाद किया है, लव जिहाद लैंड जिहाद तो तुम्हारे दुश्मनों ने इजाद किया है, पर यह शब्द तो तुम्हारी इस बहना ने इजाद किया है, तुम्हारी भांजी ने इजाद किया है, तुम्हारी बेटी तुम्हारी भतीजी ने इजाद किया है। अब बेटा क्या बोलोगे, जब वोट जिहाद बोली दिया तो भैया तुम्हारे ना चाहते हुए भी लव जिहाद पर झूठ बोलकर आशिकी करना, बिना नाम बताए आशिकी करना, मजहब छुपा के आशिकी करना, रिजेक्शन हो तो धमादम धमादम गदागद गदागद कर देना, और उसको अगर किसी ने लव जिहाद का नाम दिया तो भैया फिर क्या गलत दिया, तुमने तो उन शब्दों पर मोहर लगा दी ना कि भैया वो भी होता है तो वोट जिहाद भी होता है। तो भैया मोहतरमा कह रही है खामोशी से, और साथ में ये भी कह रही हैं कि कुन चुटकी वर मुसलमानों ने जो भाजपा के प्रत्याशी की मीटिंग कराई उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। यार सेकुलरिज्म के नाम पर ये लोग क्या खुला संप्रदाय खेल खेलते हैं, सेकुलरिज्म के नाम पर यार क्या खुला ये संप्रदाय खेल खेलते हैं, कसम खुदा की यार ऐसा ना कभी देखा ना कभी सुना। ये तो हो गया एक किस्सा, अब आगे चल लीजिए देख लीजिए ये भाईजान वोट कैसे मांग रहे हैं, इनको भी सुन लीजिए जरा, शायद इनको आपने नहीं सुना होगा, थोड़ा ढूंढ के लाया हूं, पब्लिक डोमेन में है पर ढूंढ के लाया हूं, सुनिए सुनिए। अच्छा जहां भी बैठे हैं कुर्सी वर्सी टाइट पकड़ लीजिएगा, ऐसा ना हो झटका लगे और गिर जाए, सुनिए। जो कुर्बानी जो परेशानी बीजेपी के टाइम में हुई है वो आपको दादे बताने की जरूरत नहीं है, चाहे आजम खान साहब को जेल में डालकर उनके पूरे परिवार को जेल में डालकर जो किया गया है, चाहे हमारे शाहबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उसको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना, और इस भारतीय जनता पार्टी का सूत्रा साफ हो गया। हाँ तो साथियों मेरे विशेष वर्ग के मेरे भाइयों, भैया शाहबुद्दीन साहब, अतीक अहमद साहब, मुख्तार अंसारी साहब की कुर्बानियों को जाया मत जाने देना, निकल निकल के वोट ठोकना ठका ठक ठका ठक ठका ठक, इनके साथ जो बेचारों के साथ बेगुनाहों के साथ जो गलत हुआ है, हैं जो इनके साथ बदतमीजियां हुई हैं, इनकी कुर्बानियों को इनके जिहाद को जो ये शहीद हुए हैं इनकी कुर्बानियों को भाई जाया मत जाने दे रहा, सुन रहे हो ना। तो ये है दूसरे का पैगाम। अब हो सकता है ये मदरसे में पढ़ा और सकता है ये भी मदरसे में ना पढ़ा हो, तो आप लोग ये हमेशा मैंने बताया है, आप लोग अभी भी सेकुलरिज्म के चलते अब्दुल पंचर वाला मदरसे की पढ़ाई मदरसा बंद करो, ठीक है ये अपनी जगह, ठीक है आपकी बात अपनी जगह, लेकिन ये ना सोचिए मैंने कितनी बार बोला है कि समस्या वहां है, अरे समस्या कहीं और है, कहीं और है समस्या, सिर्फ अभी दैनिक में कल जो आर्टिकल आएगा मेरा आज आज हो सकता है मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट डालूंगा पढ़िएगा, अरे भाई समस्या पढ़े लिखे में है, पढ़ा लिखा सबसे ज्यादा दो नंबर का इंसान है, दो मुआ साहब है ही, फिर से मैंने दो मुआ साहब बोल दिया भैया सॉरी, दो मुआ साहब तो बहुत क्यूट होता है, चलो कुछ और बोल देते हैं। तो ये है मानसिकता, सेकुलरिज्म के नाम पर ऐसा खुला खेल आज से नहीं, ये खेला जा रहा है आज से करीबन 50 साल पहले से खुला फतवे, और वो बेचारा बाबा गोरखनाथ का बाबा
वो बोल देता है 80 बनाम 20 तो लोग हाय 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 करने लगते हैं और मातम करने लगते हैं। तो भैया ऐसा है, जब जिहाद शब्द का इस्तेमाल करोगे और बोलोगे जिहाद का मतलब संघर्ष है ना, तुम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, तुम लोगों को कुछ नहीं पता है, ना तुम लोगों को कुरान का तर्जुमा पता है, ना तुम्हें कमेंट्री पता है, ना तुम लोगों ने हदीसें पढ़ी हैं। जाके जब सही अल बुखारी सही अल मुस्लिम साहब की 14,000 हदीसें पढ़ोगे और जिहाद के चैप्टर पर जाओगे, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा मैं बोल क्या रहा हूं इन बातों को। जब जाओगे तो जिहाद का मतलब संघर्ष है, पर अल्लाह की राह में। ये जो बातें सुनाते हो ना टीवी डिबेट में, अभी एक अच्छी वक्ता हैं, अच्छी एंकर हैं न्यूज़ 18 में आजकल बोल रही हैं, उन्हीं का मैं डिबेट देख रहा था, तो उन्होंने कहा आजकल खुद एंकर हैं मॉडरेटर हैं बहुत प्यारी हैं आपकी, तो मैं सोच रहा था उस दिन मैं डिबेट में होता तो रंदा रख देता तो आय हाय 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 बुरा हाल हो जाता, पर होता भी तब भी मैं ना टोकता क्योंकि आपकी बहुत प्यारी हैं, वो बहुत भरोसा है आपको। तो वो बोल रही थी कि ये वो जिहाद की बात नहीं हो रही जो पहले हुआ करता था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं डिबेट में उनसे होता तो मैं पूछता भाई पहले कौन सा हुआ करता था, क्या तुमने हदीसें पढ़ी हैं, हदीस में जिहाद का मतलब अल्लाह की राह में संघर्ष है, अल्लाह की राह में संघर्ष, चाहे वो किसी और तरीके का संघर्ष हो, चाहे वो वॉयलेंट हिंसा का संघर्ष हो, पर है वो अल्लाह की राह में। मेरे खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि बोलेगा तो सही अल मुस्लिम सही अल बुखारी की हदीसें जो दरुल इस्लाम रियाज से छप के आई हैं, वो ठोक के मुंह में घोसड़ दूंगा, कह दूंगा पढ़ ले बेटा मुझे ना समझा। तो भैया वो टीवी मॉडरेटर हैं, वो बोल नहीं थी इस तरह की बात, तो मुझे बड़ी हंसी आई कि वो भी धीरे से छुआ के चली गई। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, खैर कोई बात नहीं। तो भैया यही मतलब है अल्लाह की राह में। अब तुम्हें चुनाव अल्लाह की राह में संघर्ष करना है, जिहाद करना है तो करो, लेकिन इतना बता दूं मोदी साहब इस टाइम हैं बहुत नाराज। 2024 से लेकर 2029 तक 300 सीटें अगर बीजेपी पहुंच गई, देखो ये लोकतंत्र है, मैं 350 पार होगी, 400 पार होगी, कांग्रेस मुक्त भारत होगा, कांग्रेस ढूंढो यात्रा होगी, मैं इन बातों में नहीं पढ़ता हूं, मैं तो अगर बोलता हूं, अगर पहुंच गई तो भैया तकलीफें बढ़ सकती हैं। अब ये मत कहना कि हम सिर्फ ऊपर वाले से डरते हैं, ये वो बरेली का फैंटम, अभी भी लोग लिख लिख के भेजते हैं कि मेरी शक्ल उससे मिलती है। भाई यार तुम लोग कसम से बहुत बेकार आदमी हो यार, तो वो बरेली का फैंटम तौकीर रजा, भैया मुंह में दही जम गई है, फिंगर ऑन द लिप्स करे बैठा है कानून के डंडे और जेल के डर से। तो ये मत बोला करो कि हम सिर्फ उससे डरते हैं, ना 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 बेटा, सबसे डरा करो, और तुम उसी से नहीं डरते हो, अगर उससे डरते होते तो बाकी चीज़ों से भी डर रहे होते। तो ये तो आप लोगों ने मानसिकता देख ली। एक बात तय है, जितना भी सामाजिक राजनीतिक अधिकार 2014 तक इस देश में विशेष वर्ग को मिला हुआ था, वो अधिकार का मतलब अधिकार नहीं, तुष्टीकरण के चलते अधिकार, उसको खिसका खिसका के पीछे किया जा रहा है। मेरा मानना है कि अभी पूरा पीछे नहीं हुआ है, करने का प्रयास किया जा रहा है, जो 50 साल खामोखा दिया गया तुष्टिकरण के नाम पर। मैं ये नहीं कह रहा कि अनाज देना बंद कर दो, पानी देना बंद कर दो, ना ना सिलेंडर देना बंद कर दो, ये भाजपा को वोट नहीं देते तो नहीं, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, बतौर वक्ता बतौर अधिवक्ता बतौर एक नागरिक इस भारत के अगर मैं ऐसी कोई बात बोलूं या सोचूं, लेकिन तुष्टिकरण को खिसका खिसका के पीछे किया जा रहा है। इस चीज से बहुत चिढ़ा हुआ है वो, बहुत चिढ़ा हुआ है। तो जिस तरह मैं भाइयों को बता रहा हूं कि भैया मोदी जी भी नाराज हैं, तुम भी देखे रहना, तो जिस तरीके से वो चिढ़ा हुआ है, तो अगर उसको मौका मिलेगा और वापस पानी जमीन पर आएगा, वापस जहां तक पानी था तुष्टिकरण का, वो लहर पीछे चली गई है, लेकिन जब हाई टाइड आएगा और ये पानी वापस आएगा, तो ये वहीं आके नहीं रुकेगा जहां से ये पीछे गया था, बल्कि और आगे आएगा। तो
एक विशेष वर्ग को मैंने दूसरी अलग तरह समझा दिया और दूसरे मामूली वर्ग को मैं दूसरी तरीके से समझा रहा हूं। अब बहुत से लोग मुझसे बोल रहे हैं कर्नाटका पे बोलने के लिए, जो वहां पर सेक्स स्कैंडल हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट मूड। वो प्रज्वल रवाना जो जेडीएस के देवी गौड़ा साहब के पोते हैं, भैया बहुत शर्मनाक बात है, बहुत गलत बात है। देखो भैया, मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूं, हेलो, मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूं, समझ रहे हो ना? ना ना ना, मेरा ईमान जिंदा है, ठीक है, मेरा ईमान, मेरी ईमानदारी, मेरी सच्चाई जिंदा है, तुम लोगों की तरह मैं नहीं हूं। हाँ, जा रही आवाज। तो भैया बहुत गलत हुआ है भाजपा का, ये घटक दल का, ये भाजपा कैन के साथ कलिजन है। जब तमिलनाडु की बात हुई थी स्टैलिन की, तो कांग्रेस कह रही थी वो तो एक हमारा घटक दल है, हमें स्टैलिन के बयान से क्या मतलब। अब दोनों बातों को जोड़ देता हूं। जब कांग्रेस कह रही थी हमें स्टैलिन के बयानों से क्या मतलब, तो भाजपा कह रही थी कि नहीं, आपको मतलब होना चाहिए। इसलिए अगर जेडीएस भाजपा के साथ है और वहां पर पहले से कांग्रेस की सरकार थी, और अगर भाजपा को यह बात पता थी, तो कम से कम भाजपा को यह सुनिश्चित करना चाहिए था। यह नहीं कह रहा कि जेडीएस से गठबंधन ना करती, कि इस बंदे को भले जेडीएस से टिकट मिला, टिकट नहीं मिलना चाहिए था। तय बात है भैया, तुम लोगों की तरह नहीं हूं मैं, सुन रहे हो ना? हाँ हाँ, ढक्कन खुला है भाई, तुम लोग की तरह नहीं हूं, और ऊपर क्यों देख रहा हूं, नीचे देखना चाहिए था। तो भैया नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन फिर जरा ये भी पूछ लो कि इसको कर्नाटका से भगाने की साजिश किसने की, लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है, क्या ये 2500 क्लिप अभी पैदा हो गई? ये 2500 क्लिप का मुद्दा इस मारे उठा क्योंकि 17-18 सीट जहां पर कर्नाटका में चुनाव होना था, पहले दो चरण में चुनाव होना था, माफी चाहूंगा, वो वोकलिंगा का वहां पर असर बहुत है, भागने वाले भी वोकलिंगा हैं, कांड करने वाले भी ये साहब वोकलिंगा हैं। तो कांग्रेस ने कहा कि भैया दोनों सीटों पर दोनों चरणों के चुनाव होने दो, उससे पहले अगर हमने इनको धर दबोचा तो हमारा नुकसान हो जाएगा, और उसके बाद जो 7 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी कुछ असर वो किलिंगा का है। तो कांग्रेस ने कहा इनको चुप्पे से बाहर निकाल दो ताकि कर्नाटका का चुनाव ना बिगड़े। तो भाजपा को अगर ये बात पता थी तो कम से कम प्रज्वल को टिकट ना देना का इनको जिद करनी चाहिए थी, और जेडीएस को कहना चाहिए था कि इस बंदे को टिकट नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने तो अति कर दी, वो किलिंगा वोट्स नाराज ना हो इसलिए इस आदमी को कर्नाटका से भगवाया। आपने भी सुन लिया, और भैया आपने भी सुन लिया ना, मेरा ईमान जिंदा है, जब भाजपा गलती करेगी, जितनी गलती करेगी, रिजवान अहमद सीना ठोक के बोलेगा तुम्हारी तरह वो नहीं है। जय हिंद, अरे जय हिंद वंदे मातरम। अरे देखो, वंदे मातरम सुनने से पहले ढक्कन बंद कर दिया, आप सुन लो जय हिंद वंदे मातरम। और जी तो व्यूअर्स, वीडियो में देखा, वीडियो था रिजवान सर का, बात कर रहे थे अतीक मुख्तार, और नया लव जहाज की तरह एक जहाज निकला है, वो है वोट जहाज। देखिए, मुसलमानों के लिए जहाद का लफ्ज तो ऐसे ही बन गया है कि हर किसी चीज के साथ जहाद जोड़ देते हैं, और यहाँ भी इलेक्शन कंपेन होती है तो वोटों को ऐसे ही एक तोला जाता है कि भाई आप जुल्म के खिलाफ जहाद कर रहे हो, आप फलाने के साथ जिहाद कर रहे हो, आप ढमकाने के साथ जिहाद कर रहे हो। तो जिहाद जो है वो हर एक चीज में घुसा देते हैं, तो यही वो चीज वहां पे नजर आई। अब अतीक अंसारी, अब मुख्तार अंसारी, अतीक साहब जो उनको शहीद कर दिया गया, उनकी कुर्बानियों को आप रायगा मत जाने देना, इस किस्म की दुहाइयां दे रहे थे, बीजेपी को उखाड़ फेंकना। तो देखिए, मुसलमान को कांग्रेस को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है तो समझ आती है कि यार फिर ठीक है, फिर भी एक पार्टी है, अच्छे बुरे लोग हर पार्टी में होते हैं, लेकिन जब वो ऐसे क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं तो फिर यकीनी बात है दुख होता है कि यार ये क्या बात है, ये क्या मजाक है कि आप गुंडा गर्दी करने वालों को सपोर्ट करते हो, आप जो क्रिमिनल माइंडसेट के हैं, जो माफियाज हैं उनको सपोर्ट करते हुए नजर आते हो,
तो ये यहाँ पर आके ना थोड़ा सा दिल में चुभन जरूर होती है कि यार हमारे मुसलमान भाई हमेशा क्यों गलत रास्ता ही क्यों चुनते हैं, क्या वो कोई सीधा रास्ता या सही रास्ता नहीं चुन सकते या उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑप्शंस होने के बावजूद भी अगर अतीक और मुख्तार अंसारी उनके लीडर्स हैं तो फिर हमारी समझ से ये चीजें बाहर है। एक बात और, बड़े लोग कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी टेररिज्म को सपोर्ट किया जाता है, ये है वो है, ये मुख्तार अंसारी ये अतीक ये सारे आप लोगों के नुमाइंदे हैं जीते हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में कभी कोई हाफिज सईद की मोरशुदा पार्टी का बंदा कभी नहीं जीत पाया, 2-4, 10,000 वोटों से ज्यादा कभी किसी की औकात नहीं है यहाँ पे कि वो इतने वोट भी ले पाए। तो यहाँ पे उस तरह से सीन हरगिज नहीं है, बाकी यहाँ पे तो मजहबी नुमाइंदों को वोट दिए जाते हैं लेकिन मजहबी नुमाइंदे वो भी लेकिन जो कुछ वो अपनी क्रेडिबिलिटी रखते हैं बिल्कुल वो इतनी तादाद में उनको वोट नहीं मिलते जितनी तादाद में वहां देखो वो इलेक्शन इतनी बड़ी यानी कि वहां तादाद में जो है वोट डाले जाते हैं तो उस वोटिंग में जो जीते हुए हैं और देखेंगे वो कितने कह लो कि अदालतों ने जिन्हें नामी ग्रामी वहां का जो है बदमाश और गुंडे डिक्लेयर किया हुआ है वो वहां पे जीते हुए हैं तो ये देखेंगे वो उनको अवाम सपोर्ट करती है तो वो जीते हैं ना। यहाँ पे ऐसे किसी को भी अवाम जो है सपोर्ट नहीं करती यहाँ पे, लेकिन जो हमारे भी एम पी एम एन है वो किसी से कम नहीं, लेकिन ऐसे जो मुख्तार अंसारी और ये दूसरे हैं जैसे जो है वो फिर भी नहीं है। तो लेकिन ये चीज आप अवाम को देखनी चाहिए कि देखें वहां पे जो परफॉर्मेंस दिया है एक गवर्नमेंट ने इक्तदार में आई है और परफॉर्मेंस ऐसे दी है कि पिछली जितनी भी परफॉर्मेंस है उस पर उसने पानी फेर दिया। तो अवाम को चाहिए कि आगे उनको जो है वो अपने अपने जो हलके में सिलेक्ट करें जो उनके लिए बेहतर करें जो उनके लिए और ज्यादा बेहतरी कर सके उनको सिलेक्ट करें। बिल्कुल जी, आप देखिए कि उन्होंने अवाम को चूरन ही यही खिलाया हुआ है कि भैया हिंदू मुस्लिम ये जो हिंदू हैं ये जो बीजेपी पार्टी है ये जो इंतहा पसंद हैं ये आपको मार डालेंगे, इनका रास्ता रोकने के लिए गुंडागर्दी करना जरूरी है, इसलिए आप हमारी पुश्त पे हैं तो हम इनका जो है ना ऐसा करते रहेंगे और इसको इनका जो आप पत्थर से देते रहेंगे। तो इन चूरन के ऊपर जो है ना वो इन लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और वो फिर यही सोच रखते हैं कि भाई हम इन जैसे लोगों को वोट देकर भी जिहाद कर रहे हैं, लेकिन अब चीजें यही हैं कि वोट जिहाद लव जिहाद वो जिहाद ये जिहाद, लेकिन क्या कभी ये किसी ने कहा है कि भाई हमने अपने आप को काबिलियत का जिहाद करना है, हमने अपने आप को किरदार साजी का जिहाद करना है, हमने जो है ना इंसानियत के लिए इंसानी जिहाद करना है। वो जो कोई कर लेता है ना उसको ये सब कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बिल्कुल, तो भाई चले कहें वो कहें करे कर ले पर दिखावे के लिए कर ले इन चीजों को, हां ये चीज है को देखने से सही कि भाई ये देखिए जी इंसानियत के लिए भी काम कर रहे हैं, उसके लिए भी जिहाद किया जा रहा है, किरदार साजी के लिए भी जिहाद किया जा रहा है, वहां पे जो है अखलाकियात के ऊपर भी जिहाद किया जा रहा है, लेकिन ऐसी चीजें नजर नहीं आती। बाकी जो मतलब की चीजें होती हैं उसको हमने जिहाद का नाम जरूर दे देते हैं कि भाई इस चीज के ऊपर जो है ना हम जो है ना लोगों को अपने तरफ माइल कर सकते हैं, और वाकई आज भी जिहाद के नाम पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो इन चीजों से निकलना चाहिए कि सबसे जो अफजल जिहाद है हमें वो करना चाहिए जो कि अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद है, और उस जिहाद में हमें कोई भी इस तवक्का दावा देता हुआ नजर नहीं आ रहा। दुनियादारी के जिहाद में हमें डेफिनेशन चेंज कर करके उसके मतलब चेंज कर करके पता नहीं जिहाद को क्या से क्या बना कर रख दिया गया है, लेकिन ये बदकिस्मती है कि आज हमने किरदार को छोड़ दिया है और हम जो है ना इक्तदार के पीछे लगे हुए हैं। इक्तदार तो आने जानी चीज है लेकिन इज्जत और जिल्लत जो है इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। तो आप लोगों को चाहिए कि भाई आप एक बाकिरदार लोगों को सिलेक्ट करें, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है किसी भी कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है, जो किरदार वाला बंदा है वो आप सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके लिए कुछ करेगा, लेकिन जब आप ऐसे लोगों को सिलेक्ट करेंगे तो फिर वो आपकी कभी भी दादरसी नहीं करेंगे और आपके इस वोट को जिसकी बहुत ज्यादा कीमत है वो फिर अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं और आज तक करते हैं, कभी भी आपके हकूक के लिए उन्होंने आवाज नहीं उठाई। और आज भी देख लीजिए कि उनका मुद्दा जो है वो आपके हकूक नहीं है, आपके साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं या महंगाई है या बेरोजगारी है या आपके बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिल रही है या आपके वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हो रहा है, ये मुद्दे नहीं है कि हमने मुईशत को आगे कैसे लेकर जाना है, अभी बेहतर हो रही है तो हम बीजेपी से ज्यादा मुईशत को बेहतर कैसे करेंगे, ऐसे मुद्दे
नहीं है। आज भी देखिए उनके पास वही पुराने लॉलीपॉप हैं। अगर फिर भी आप खाते हैं तो फिर आपकी मर्जी है, क्योंकि अगर आपके पहले हालात नहीं बदले तो आप भी नहीं बदलेंगे। अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो कभी भी नहीं बदल सकते। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और हमेशा मैंने देखा है, खास करके जो इंडियन सियासत है वहां पे जो मुस्लिम है उनकी सपोर्ट कहां किस और किस किस पार्टी को नजर आती है, ये सुनकर ही मैं दंग रह जाता हूँ। कांग्रेस को उनकी सपोर्ट फिर भी किसी हद तक मुझे लगता है कि वैलिड है, लेकिन अतीक और ये मुख्तार और इस तरह के जो गुंडे हैं और फिर उनको वालेहाना सपोर्ट और इस तरह से जज्बाती अंदाज में, ये किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं है। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए